गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार बताएंगे, आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही है आपको? ऑडिबल एंड विजिबल, ऑडिबल एंड विजिबल। गुड इवनिंग सुधा तिवारी, नीतू चौधरी आ गए, बिल्कुल आ चुके हैं। मिताली खंडेलवाल, श्री राधे, सभी को नमस्कार, सभी को श्री राधे, गुड इवनिंग, जय श्री राम। और जो भी, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, हर जगह शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और जहाँ भी टेलीग्राम में जो ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी आप हैं, हर जगह आप जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। लाइक एंड शेयर। राधे राधे अंजलि, शिवाय सिंह, विशाल नहीं सॉरी विद्युति, दूर से दिखता भी नहीं है, डिस्प्ले थोड़ी दूर है। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास, एकदम रैपिड फायर स्पीड पे चलेंगे। ठीक है, रैपिड फायर टाइप होगा, फटाफट से ईडीएम्स जितने भी आए हैं सीजीएल 2021 प्रीलिम्स के पेपर में, उन सारे के सारे ईडीएम्स को करेंगे। ये क्यों ज़रूरी है क्लास, क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैब के, वो वही हैं जो सीजीएल प्री 2021 में पूछे गए थे, यानी रिसेंटली जो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, बार बार पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि अगर आपका एग्ज़ाम है सीएचएसएल का या एमटीएस का या आगे और भी कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वोकैब के सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों का 7 को एग्ज़ाम है या 5 को है, जिस भी डेट में है, सारे लोग ये सेशंस को कवर करके जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपका एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स, वन वर्ड्स हम करा चुके, सिनोनिम्स हमने कल करा दिए थे, ईडियम्स आज हम कर लेंगे, और आपका उसके अलावा हम करा देंगे एंटोनिम्स और स्पेलिंग, ये भी करा देंगे। अच्छा, उसके साथ साथ में एक पूरी मैराथन टाइप में ले आऊँगा जिसमें सीजीएल मेंस में आए हुए सारी वोकैब। सीजीएल मेंस कौन सा? जो अभी रिसेंटली जनवरी फरवरी में हुआ था, जो 3 फरवरी और 29 जनवरी को हुआ था शायद पेपर, सीजीएल मेंस 2020 का पेपर था जो 2022 के जनवरी फरवरी में हुआ था। एक ही क्लास में उसके सारे के सारा जो वोकैब का पार्ट था उसको मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। वो किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस वाले बच्चों के लिए भी है, प्री वालों के लिए भी है, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस सेशन को भी आप सारे के सारे लोग जरूर देखें। तो दोनों ही शिफ्ट का पेपर के जितना भी वोकैब का पार्ट था वो भी एक क्लास लेके मैं करवा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम कराएंगे। रैंकर्स गुरुकुल पे सारा कंटेंट आपको एकदम लेटेस्ट कंटेंट मिलता है, सबसे पहले मिलता है, शानदार कंटेंट मिलता है। बस आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए, आप वीडियोस वगैरह को लाइक और शेयर करते रहें। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, और पहला जो ईडीएम है सीजीएल 2021 प्रीम आए हुए ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की बात हम कर रहे हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। ईडीएम है आपका बी हार्ड अप, बी हार्ड अप। अब ये बी क्या है? बी आपकी यहाँ पे वर्ब है, आपको पता ही है बी वर्ब होती है, इज आर एम वॉज वर। ठीक है, यानी कि अगर इसका कभी एग्जाम्पल आएगा तो ऐसे करके आएगा, ही, एक बार अगर इसका मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आएगा कभी तो किस तरीके से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे करके लिखा आएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस आएगा, एग्जाम्पल सेंटेंस बता देता हूँ, ही इज हार्ड अप। तो इज वगैरह लग के आएगा, और मान लीजिए ऐसा कुछ पूछा गया आपसे एग्जाम में और पूछा गया कि इसमें ईडीएम का मीनिंग बताएं, क्योंकि कई बार एसएससी क्या करता है, एसएससी
क्वेश्चन को इस तरीके से ईडियम को ऐसे पूछता है कि एक सेंटेंस के अंदर ईडियम को पूछेगा, पूछेगा इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, हार्ड अप का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है, तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप आंसर बताएंगे, आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। पहली स्लाइड में सिर्फ आंसर दे रखा है, आगे से आपकी प्रैक्टिस काइंड ऑफ चलेगी, ठीक है। तो पहली स्लाइड में जो आंसर दे रखा है दैट इज हैव वेरी लिटिल मनी, यानी कि बी हार्ड अप, इसका मीनिंग होता है कि आपके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। हैव वेरी लिटिल मनी, ऑलमोस्ट नो मनी, यानी कि लगभग आप जीरो पैसा रखते हैं, गरीबी चारों तरफ से आपको घेरे हुई है, तो हम कहेंगे यू आर हार्ड अप, यू आर हार्ड अप, ठीक है। तो बी हार्ड अप का मीनिंग होता है कि आप गरीबी में घेरे हुए हैं, आप बहुत गरीब हो रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज और जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है वो है अदर एक्सप्रेशंस। देखो आज की क्लास में सिर्फ पहली स्लाइड में मैंने डाल रखा है, और भी कुछ आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, लेकिन आगे से जो वोकैबुलरी कराऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो रिलेटेड वर्ड्स हैं या रिलेटेड ईडियम्स हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से, वो मैं साथ साथ में आप लोगों को बताता जाऊं, जिससे कि आपको फायदा रहे आगे आने वाले एग्जाम्स में, आप चीज़ों को कनेक्ट करके देख पाएं। तो अदर एक्सप्रेशंस रेफरिंग टू पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी आपका, ठीक है। गरीबी को दिखाने वाले कुछ अदर एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही शानदार ईडियम आपका होता है स्टोनी ब्रोक। क्या होता है स्टोनी ब्रोक, इफ यू आर स्टोनी ब्रोक दैट मीन्स यू आर, यू हैव लिटिल मनी, यू आर पुअर, आप गरीब हैं, तो स्टोनी ब्रोक। एक होता है वर्ड पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब होता है जब आपके पास में कोई पैसा नहीं होता है, ठीक है। एक ईडियम होता है, एसएससी ने कई बार इसको एग्जाम में पूछा है, अनेबल टू मेक एंड्स मीट, अनेबल टू मेक एंड्स मीट, इसका भी मीनिंग होता है कि आपके पास में कोई पैसा नहीं है। आगे आपका जो वर्ड है वो है इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस का भी मतलब होता है वही जो स्टोनी ब्रोक का होता है, जो बी हार्ड अप का होता है, यानी कि जब आपके पास में पैसा ना के बराबर हो तो हम कहेंगे यू आर इम्पिक्यूनियस, ठीक है। इम्पिक्यूनियस आपका वर्ड है, ठीक है, शानदार वर्ड है, ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान देंगे। आगे एक ईडियम होता है इन क्यूर स्ट्रीट, इन क्यूर स्ट्रीट, इसका भी क्या मतलब होता है कि जब आपके पास में कोई पैसा ना हो तब लगाते हैं, ठीक है। एक होता है ऑन वंस अपर्स, अगर आप कह रहे हैं ही इज ऑन हिज अपर्स, ही इज ऑन हिज अपर्स, इसका मतलब है आप कहना चाह रहे हो कि उस पर्सन के पास में ऑलमोस्ट कोई पैसा नहीं है, वो पर्सन गरीब है। तो किसी गरीब को रेफर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑन वंस अपर्स, यानी कि बेसिकली जितना अमीर आप पहले थे उससे कम है, या जितना पैसा आपके पास में पहले था अब उससे कम है। एक वर्ड होता है आपका स्किंट, स्किंट का भी क्या मीनिंग होता है, स्किंट का भी मीनिंग होता है गरीब, पुअर, ठीक है। वैसे बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी और चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आएंगे दिया, बिल्कुल आएंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, चिंता ना करें, एग्जाम के ही लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं। जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं इंग्लिश में, इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जगह पे अगर आपको इंग्लिश की सारी चीजें चाहिए तो आपको हमारे पास में मिलेंगी हर तरीके का कंटेंट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, आपका अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। अगला ईडियम देखते हैं, नेक्स्ट ईडियम है क्वेश्चन नंबर टू जो आपका है, इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ, इसका मीनिंग बताएंगे भाई क्या होता है, इन द सेम ब्रीथ, जल्दी बताएंगे भाई, इन द सेम ब्रीथ, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, दूसरा मीनिंग दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, नेक्स्ट दे रखा है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और फोर्थ है एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, जल्दी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, एक नया ईडीएम आया है एसएससी में, प्रीवियस ईयर में अब तक ये नहीं पूछा गया था, ये सीजीएल 2021 के पेपर में पूछा गया, तो ये आगे आने वाले एग्जाम्स में जल्दी जल्दी आने वाला है, ठीक है। थोड़ा ही पहले ये इंट्रोड्यूस करा है एसएससी ने, वैसे ईडीएम बहुत पुराना है लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में थोड़ा सा नया है, आपको ज़्यादातर बुक्स में ये नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगा, लेटेस्ट है, अगर लेटेस्ट है तो आपके लिए वैसे ही ज़रूरी हो जाता है, और बुक्स में नहीं है, बुक्स में नहीं है तो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ हमारी क्लास में ज़रूर मिलेगा। देखिए
इन द सेम ब्रीद का मीनिंग होता है से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम. मीनिंग क्या होता है इसका, मीनिंग होता है जब हम ऐसी दो चीजें कहें कि या तो मतलब हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है ही नहीं, एक ही पॉसिबल हो सकती है, एक ही काम हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. तो ऐसे के लिए हम लगाते हैं इन द सेम ब्रीद, इन द सेम ब्रीद. तो इन द सेम ब्रीद का मीनिंग क्या होता है कि जो आप कह रहे होते हैं दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक ही टाइम पे जब कह रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं इन द सेम ब्रीथ. ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे मजबूत करें, ट्रांसलेशन पे अंबुजा सीमेंट लगा दो मजबूत हो जाएगा. ट्रांसलेशन कैसे मजबूत करें, ट्राई टू रीड मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें. और ट्रांसलेशन मजबूत ना करके आप क्या कीजिए कि आप अपनी रीडिंग जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाइए. रीड जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, जब आप अच्छे से रीड करने लगोगे चीज़ें खुद समझ आने लगेंगी. यकीन मानिए ऐसा होता है, चीज़ें खुद से समझ आने लगेंगी. रीडिंग पर जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करिए, ठीक है, जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए. ठीक है, रीडिंग पर काम करिए. देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने बारे में. मैं जब जिस टाइम पे स्टूडेंट हुआ करता था, एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा था 2017 के करीब, 2017 में, तो मैं अपने आप को एक क्रिकेट अडिक्ट कह सकता हूँ. मतलब मैं रहा हूँ और अभी भी हूँ, मतलब क्रिकेट के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट का रहता ही रहता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइव क्लास में मैं क्रिकबज चला रहा होता हूँ. ठीक है, तो क्रिकबज ने मेरी बहुत हेल्प करी. मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मैं क्रिकबज पे ही हमेशा स्कोर देखता था. और मैं क्रिकेट का ऐसा कुछ अडिक्ट हूँ कि मैं लाइव देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, हर मैच की बॉल बाय बॉल कमेंट्री पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है. पूरी कमेंट्री पढ़ता हूँ. अब वो कमेंट्री जब मैं पढ़ता हूँ तो धीरे 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 धीरे, पहले मुझे क्रिकबज समझ नहीं आता था, मुझे लगता था क्रिकबज वाले अपना ये ऐप हिंदी में क्यों नहीं ले आते. लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वो उस टाइम पे हिंदी में ले आए होते, उस टाइम पे उनका हिंदी में ऐप आया था नो डाउट, और मैंने वो डाउनलोड भी किया था, लेकिन वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा मेरे को, तो मैंने वो हटा दिया था और इंग्लिश में मैं पढ़ने लगा. यकीन मानिए मेरी इंग्लिश में बहुत सारी हेल्प हुई उस रीडिंग से, क्योंकि मैं कभी न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा ज़्यादा, एडिटोरियल वगैरह मैंने नहीं पढ़े एसएससी के टाइम पे. हाँ मैंने यूपीएससी वगैरह की जब तैयारी करी थी उस टाइम पे न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ा, ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए मैंने कभी एडिटोरियल वगैरह पढ़ के तैयारी नहीं करी थी. अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा केक वॉक. केक वॉक का मीनिंग क्या होता है, केक वॉक का मीनिंग क्या होता है जल्दी बताएंगे. ट्रांसलेशन पे क्लास लीजिए, ट्रांसलेशन पे भी क्लास ले लेंगे भाई अगर आप कहेंगे तो, ट्रांसलेशन पे भी क्लास ले लेंगे अगर आप कहेंगे तो, आप जिस चीज की कहेंगे उस चीज पे क्लास ले लेंगे. केक वॉक क्या होता है, केक वॉक बेसिकली होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत आसान हो. ठीक है, तो समथिंग ईजी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चेयरमैन ऑफ आर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी. पूछा गया सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom. देखिए पूरा सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस में एक अंडरलाइंड जो पार्ट है उसका मीनिंग आपको पूछा गया है. क्या मीनिंग होगा भाई इसका, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल idiom का मीनिंग जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे. रैंक एंड फाइल का मीनिंग क्या होता है, रैंक एंड फाइल. चौथे का ये बहुत बढ़िया आदित्य साक्य, बहुत बढ़िया, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं. रैंक एंड फाइल होता है ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी पीपल. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इट इज गुड टू टेक इन टू अकाउंट. तो idiom है आपका टू टेक इन टू अकाउंट, ये भी सेंटेंस के फॉर्म में एसएससी ने पूछा है. ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो टेक इन टू अकाउंट का मीनिंग होता है भाई किसी चीज को कंसिडर करना, किसी चीज को कंसिडर करना ही होता है टेक इन टू अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू. ठीक है, idiom होता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू या बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू उसका क्योंकि सेंटेंस में यूज कर रखा है तो वन की जगह पे आई आ रखा है और बाइट की जगह पे थर्ड फॉर्म बिटन आ रखा है. ठीक है, idiom का मीनिंग बताएंगे क्या होगा, आप इजीली इसका मीनिंग निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं,
मतलब जितना चबा सकते हैं उससे ज़्यादा खा लेना। तो बेसिकली ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है जिसमें होगा नॉट एबल टू फिनिश वर्क, हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा हो सकता है, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, जितना आप हैंडल कर सकते हैं उससे ज़्यादा ले लेना, कहीं ना कहीं वही तो है, मुँह में उतना भर लिया जितना मुँह कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, निकल निकल के भाग रहा है। तो बेसिकली आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डू, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है फाउल प्ले। फाउल प्ले आप सब लोग इजी वर्ड है, इजी idiom में निकाल सकते हैं, अनप्लेजेंट वेदर फॉर प्लेइंग, चलो आप ही से मैं ऑप्शन पूछता हूँ, आप ही आंसर बताएंगे, ठीक है, अनप्लेजेंट वेदर फॉर प्लेइंग हो नहीं सकता है, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, जल्दी आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे जल्दी से, क्या आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन है अ बैड स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड। देखो इसका प्लेग्राउंड वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इस प्ले से प्लेग्राउंड में मत चले जाना, प्ले को देख के प्लेग्राउंड में मत चले जाना, ज़्यादातर लोग सही आंसर कर रहे हैं, बढ़िया शाबाश। इसका मीनिंग होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर जो अनफेयर है डिसऑनेस्ट है, ठीक है, अ ड्रामा विच इज बैडली प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर, जल्दी से बताएंगे इसका मीनिंग क्या होगा भाई, आठवें का मीनिंग आंसर करेंगे, नौवें का भी आंसर करेंगे आप लोग, आठ और नौ दोनों के आंसर करेंगे, ठीक है जल्दी से, आठवां और नौवां, आठ और नौ, एट्थ और नाइन्थ, सुधा तिवारी बोल रही है सी, आदित्य सा कैसे कौन लिखता है, अच्छा आठ है, आठ का सी, ओके आठ का लोग बोल रहे हैं सी, अच्छा मुझे आठ वो आपका बी लग रहा है, मुझे लगा पहले बी लिख रखा आगे सी लिख रखा है, ठीक है। तो टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है टू चेंज साइड्स ऑफन, बिल्कुल भी नहीं, देखो टेक आफ्टर का मीनिंग होता है, आफ्टर का मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना, टू टेक आफ्टर का मीनिंग होता है किसी के जैसा दिखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, टेक आफ्टर का मीनिंग बेसिकली होता है रिजेंबल करना, क्या होता है रिजेंबल, ठीक है, तो टेक आफ्टर का मीनिंग होता है रिजेंबल, रिजेंबल, और रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना ही क्या होता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो idiom है दैट इज अ लॉन्ग शॉट, इसका आंसर करेंगे भाई, अ लॉन्ग शॉट का आंसर करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, नाइन्थ का, नाइन्थ का डी ही बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, अच्छा नाइन्थ का ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, अ लॉन्ग शॉट, इंटरेस्टिंग, शिखा तिवारी ए बोल रहे हैं, शिखा तिवारी ए बोल रही हैं, बाकी ज्यादातर जो क्राउड है आदित्य साग के ए बोल रहे हैं, आदित्य साग के ने ए बताया है, बाकी ज्यादातर लोग ये दोनों तिवारी ठीक हैं, सुधा तिवारी भी सही बोल रही हैं, ए आंसर है इसका। देखिए अ लॉन्ग शॉट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसका सक्सेसफुल होने का चांस, या जिसका मतलब सक्सेसफुल होने का कोई चांस ना हो, तो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, एक ऐसा प्रेडिक्शन वगैरह जिसके सक्सेसफुल होने का, कोई भी ऐसी चीज जिसके सक्सेसफुल होने का ऑलमोस्ट नो चांस हो, कोई चांस ना हो। अरे एम कुमार स्टडी पॉइंट अभी चल रही है, अभी तैयारी शुरू करिए, छोटा बच्चा नहीं दिखता क्या, तैयारी शुरू करिए, अभी चल रही है बस, ठीक है। तो करेक्ट प्रेडिक्शन इसका आंसर नहीं होगा, जो लोग करेक्ट प्रेडिक्शन इसका आंसर बता रहे हैं वो इसका आंसर नहीं होगा, करेक्ट प्रेडिक्शन इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई आगे, ऑन द वेन, ऑन द वेन का आंसर बताएंगे भाई, एसएससी ने कम से कम नहीं तो 10 बार पूछ रखा होगा इस idiom को, अब तक कम से कम 10 बार पूछ रखा होगा, ठीक है, कम से कम 10 बार पूछ रखा होगा इस idiom को, लॉन्ग ऑन द वेन। ये जो लास्ट वाला idiom था ना, ये नया idiom है भाई, एसएससी ने बहुत बार इसको नहीं पूछा, इसीलिए बहुत सारे लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ज़्यादातर लोग करके रखते हैं तो ज़्यादातर के आंसर कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये नया idiom है तो ज़्यादातर लोग आंसर नहीं कर पा रहे थे। ध्यान रखेंगे नया सारा कंटेंट आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा हमारी क्लासेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द वेन,
ऑन दी वेन का मीनिंग बताएंगे क्या होता है, ऑन दी वेन का मीनिंग बताएंगे भाई। अब देखिए, क्योंकि 10 बार पूछ रखा है तो अब तो गलत करने का चांस ही नहीं बचा है ना, कोई चांस नहीं है गलत होने का। ऑन दी वेन का मीनिंग होता है ऑन दी डिक्लाइन, व्हेन समथिंग इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, व्हेन समथिंग इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन का मीनिंग होता है खत्म होना, खत्म होने की कगार पे। अगर हिंदी में मैं लिखूं इसका मीनिंग तो खत्म होने की कगार पे। देखो अब से मैं ट्राई करूंगा, अब से जो नेक्स्ट सेशन हमारे आएंगे उनमें मैं ट्राई करूंगा कि हिंदी मीनिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर पाऊं। काफ़ी सारे हिंदी वाले बच्चे मेरे से थोड़े से नाखुश हो जाते हैं, मैं भी हिंदी वाला हूं वैसे, कि सर आप इंग्लिश में लिख के लाते हैं। मेरा पर्पज़ ये होता है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से एफर्ट डालें, आप कोशिश करें कि इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर भी समझें। जैसे मैंने क्रिकबज वाली अपनी स्टोरी बताई थी कि इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने एफर्ट्स डाले समझने के लिए, तो आज मैं समझ पाता हूं और मेरी इंग्लिश अच्छी हुई। अगर मैं यहाँ पर सब कुछ आपको थाली में परोस के दे दूँ ना कि हिंदी भी लो इंग्लिश भी लो जैसे चाहिए वैसे लो, फिर क्या होगा, अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे ना तो ऑनेस्ट बात यह है कि आप सफलता उतनी नहीं पा पाओगे लाइफ में जितने के आप हकदार हो। फैक्ट की बात बता रहा हूँ, जितनी सफलता के आप हकदार हो उतनी सफलता अगर आप नहीं पा पाओगे अगर आपकी स्पून फीडिंग की जाए, यानी कि सब कुछ अगर आपको थाली में परोस के दिया जाने लगे ना, यकीन मानिए मेरी इस बात का, आप उतनी सफलता नहीं पा पाओगे जितनी सफलता के आप हकदार हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई कि ऐसा नहीं है, मैं करा सकता हूँ, हिंदी भी लिख के ला सकता हूँ, कैसे भी ला सकता हूँ। अगर मैं हिंदी ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ तो इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि आप एफर्ट्स लगाओगे। अगर स्पून फीडिंग की जाएगी तो जितनी सफलता के आप हकदार हैं उस सफलता से आप नीचे रह जाओगे हमेशा। स्पून फीडिंग नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई लो। लाई का मतलब क्या है, लेटना। लाई का मतलब क्या होता है, लेटना। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, आपको पता ही है। ये एक होता है लाई, एक ये होता है लाई, और एक होता है ले। एक लाई का मीनिंग होता है झूठ बोलना, एक लाई का मीनिंग होता है लेटना, और ये जो ले होती है इसका मतलब होता है लिटाना या कुछ रख देना। ये ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट है, आप सारे लोग इसको ध्यान रखेंगे। लाई जो झूठ बोलने वाली होती है उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो लाइड होता है, ठीक है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो ले होता है, ठीक है। ग्रामर की क्लास में मैंने वर्ब में 60 दिन 60 मैराथन में जो वर्ब कराया वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करा रखा है, देख लेना। ग्रामर के क्वेश्चन इस पर आते हैं भाई बार बार, ठीक है। लाई लो का जो मीनिंग होता है वो होता है, देखो हम लेटते कब हैं, हम जब ये चाहें कि कोई हमें नोटिस ना करे हम लेट जाते हैं, चुपचाप छिप जाएंगे कहीं पर। तो लाई लो का जो मीनिंग होता है वो होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, ट्राई करना कि आप नोटिस ना हो पाएं, ट्राई करना कि लोग आपको नोटिस ना कर पाए, उसी को कहते हैं लाई लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माय फ्रेंड्स वेडिंग माय मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। व्हेन आई आस्क्ड फॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस फॉर माय फ्रेंड्स वेडिंग माय मदर रिमाइंडेड मी दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ये आपका ईडियम है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, आसान ईडियम है, क्योंकि ये सब कहते हैं पैसा पेड़ पर थोड़ी ना लगता है, पैसा मेहनत से कमाना पड़ता है, तो ये सब कहते हैं। हिंदी में भी इसको बार बार बोला जाता है, तो क्या है इसका, मनी इज फ्रीली अवेलेबल, नो, मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं। मनी इज हार्ड अर्न्ड एंड लिमिटेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। मनी ग्रोज ऑन सर्व्स एंड देयर इज प्लेंटी, नो, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एक मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, और मैं बता देता हूँ जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये नाउन का क्वेश्चन है। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन किसका है, नाउन का क्वेश्चन है भाई, नाउन चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, नाउन चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दरअसल ये है कि ये जो 12वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और आपको आंसर करना है इसको कमेंट बॉक्स में। तो जो लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जाएंगे, और जो लाइव नहीं देख रहे हैं बाद में देखेंगे वीडियो को, वो भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन दरअसल ये है, ये 12वां जो क्वेश्चन है, 12वां जो क्वेश्चन है, जो इसका स्पीकर रहा होगा, कौन रहा होगा इसका स्पीकर, इस क्वेश्चन को बोलने वाला स्पीकर, वो मत समझना कि सोनी का स्पीकर, नहीं,
इसका स्पीकर यानी कि इसका वक्ता जो रहा होगा वो आपको ये बताना है कि कोई लड़का रहा होगा या कोई लड़की रही होगी। भाई बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि ये जो बारहवां ईडियम है, ईडियम नंबर जो 12 है, ये जो सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, इस सेंटेंस का जो स्पीकर रहा होगा वो लड़की रही होगी या लड़का रहा होगा। हिंट ये है कि ये क्वेश्चन नाउन से आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? नाउन से कर सकते हैं। तो नाउन का क्वेश्चन है, हिंट आपके लिए इतनी है। और आपको बताना है कि इसका स्पीकर जो रहा है बारहवें क्वेश्चन का, वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, ये बताना है आपको, या दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन कि वो एक बॉय है, दूसरा ऑप्शन कि वो एक गर्ल है, तीसरा ऑप्शन कि इधर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, और चौथा ऑप्शन नीदर, यानी कि ना तो लड़का है ना लड़की है, कुछ और ही है, कोई जानवर है, ठीक है, नीदर। तो इधर नीदर, गर्ल या बॉय, लड़का है लड़की है, कौन है, आंसर मिलेगा आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में जिन लोगों का सही आंसर होगा उनको मैं एक हार्ट दे दूंगा। ये वाला हार्ट नहीं दूंगा, बस डिजिटल वाला हार्ट आपको एक दे दिया जाएगा, ये हार्ट मैं किसी को नहीं दे सकता, सॉरी, ठीक है। विद लॉजिक बताना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। माई फ्रेंड्स सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। ये ईडीएम एसएससी ने जैसे कि रट रखा है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ेंगे जिस एग्जाम में इस ईडीएम को नहीं पूछेंगे, हर एग्जाम में वो पूछते हैं। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, एक भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ना हिलाया हो, एक भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ा जिसने मतलब जिसको ना हिलाया हो, तो क्या होगा? Proposed good plans, no. Looked in every different places, नहीं, सब जगह नहीं देखा, ऐसा नहीं पत्थर हटा हटा के देख रहे हैं, ऐसा मीनिंग मत समझ लेना। Dependent on many people, no. Made every possible effort, no stone unturned का मतलब होता है वो सब कुछ ट्राई करना जो आप कर सकते हैं, सब कुछ ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, स्टोन्स थ्रो। बेसिकली ये पूरा का पूरा idiom होता है एट स्टोन्स थ्रो, एक एट स्टोन्स थ्रो क्या मीनिंग होता है इसका? लार्ज हर्डल होता है, बिल्कुल नहीं होता है जी, ठीक है। हर्ट स्लाइटली होता है, बिल्कुल नहीं होता है जी, ठीक है। डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है जी। शॉर्ट डिस्टेंस होता है स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस, कम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है रिपीट करके, सेम ऑप्शन दे रखे हैं, सेम सब कुछ दे रखा है, एसएससी ने रिपीट करा है इसीलिए मैंने भी यहाँ पे रिपीट कर रखा है, क्योंकि मैं सब कुछ कराने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ठीक है, हाँ, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, तो मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, सेम क्वेश्चन रिपीट एसएससी ने किया था, हमने भी कर दिया, हमारा क्या जा रहा है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाई टेलिंग मी टू कीप क्वाइट, ठीक है। टाइट कॉर्नर, टाइट कॉर्नर क्या होता है? एक idiom है जिसका मीनिंग कंफर्टेबल सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं होगा जी, ठीक है। दूसरा embarrassing सिचुएशन, embarrassing सिचुएशन, embarrassing सिचुएशन मतलब कह सकते थे कि आप कोशिश कर सकते थे कि ऐसा कुछ लगाएं, बट ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सीक्रेट प्लेस बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर का मीनिंग होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सारे लोग। नेक्स्ट हमारा ईडियम है निप इन द बड, निप इन द बड का मीनिंग जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग, क्या होगा निप इन द बड का? जब तक 18वां क्वेश्चन देखते हैं, होल्ड द की, होल्ड द की का मीनिंग होता है किसी चीज़ की अगर आपके पास में चाबी है तो जैसे आप उसको घुमाओगे वो चीज़ वैसे काम करेगी, यानी कि टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पूरा पूरा कंट्रोल आपको दे दिया जाए, निप इन द बड का आंसर करेंगे भाई। 17 का लोग बोल रहे हैं, 17 में ही है ना, 17 का डी बोल रहे हैं, 17 का डी बोल रहे हैं,
बिल्कुल, जो भी 17 का डी बोल रहा है सारे के सारे लोग बिल्कुल सही है। निप इन द बड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को उसकी अर्ली स्टेज पे ही ख़त्म कर देना, यानी कि जल्दी से डिस्ट्रॉय कर देना। कोई नेगेटिव चीज़ बनी, कोई नेगेटिव चीज़ उभर के आ रही थी तो उसको तुरंत ही मार देना, ख़त्म कर देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईजी मनी। ईजी मनी क्या होता है? एक ऐसा पैसा जो आसानी से कमाया जा सके, और अगर कोई चीज़ आसानी से मिल रही है तो वो नेगेटिव सेंस में ही होती है, ठीक है। तो हैव नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग मनी दैट इज ड्यू, आपका पैसा ड्यू है ये कमाया नहीं गया है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। मनी को कलेक्ट नहीं करना है, कमाना है। कलेक्ट करना इसका सेंस नहीं है, कलेक्ट करना इसका सेंस नहीं है, ठीक है। आंसर करेंगे भाई इसका 19वें का सारे लोग। नेक्स्ट है वर्क हार्ड टू अर्न अ लार्ज सैलरी विदाउट टेलिंग एनीवन, मतलब क्या छुपा के पैसा ला रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कलेक्ट समवंस कैश फॉर देम इजीली, किसी का कैश कलेक्ट नहीं करना है। अगला है मेक मनी, मेक मनी, अगला हमारा है मेक मनी विदाउट मच एफर्ट, मे बी इलीगली, यानी कि बिना मेहनत के पैसा कमा लेना, और इलीगली हो या लीगली हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर, अगर घी में बाल गिर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अ हेयर इन द बटर सेंटेंस, मतलब ईडियम है आपका अ हेयर इन द बटर, न्यू ईडियम है, अगेन एसएससी ने एक नया ईडियम पूछ रखा है, मीनिंग बताएंगे भाई क्या लगाओगे आप, अगर आपके पेपर में ये ईडियम आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे क्या लगाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, ज़्यादातर लोग बी कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग बी कह रहे हो तो फिर मैं क्यों मना करूँ, है ना। तो अ हेयर इन द बटर का मीनिंग होता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन, एक चैलेंजिंग सिचुएशन। कूल एज कोकुम्बर, कूल एज कोकुम्बर का मतलब होता है एकदम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, नहीं सॉरी हैप्पी एंड एक्साइटेड नहीं होता है, हैप्पी एंड रिलैक्स्ड होता तो हो सकता था। काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि हैप्पी एंड एक्साइटेड है। कूल एज कोकुम्बर का मीनिंग होगा बिल्कुल कोई एकदम काम है, शांत। अगर रिलैक्स्ड होता तो पहला ऑप्शन हो सकता था, लेकिन एक्साइटेड की वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। एक्साइटेड की वजह से ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बताएंगे आंसर। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कि ये सब लोगों के लिए एडवाइस भी रहती है कि भाई जो स्ट्रेंजर्स होते हैं कीप देम एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि किस ट्राई करना कि कोई बंदा आपके साथ में ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। तो यानी कि जब आप ये ट्राई करते हो कि ये मेरे साथ फ्रेंडली ना हो या मैं इसके साथ फ्रेंडली ना हूँ, तो यू कीप दैट पर्सन एट आर्म्स लेंथ, तो अलाउ नहीं करना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट समवन टू स्मॉल प्लेस, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मेक समवन स्टे आउटसाइड, बिल्कुल भी नहीं। अवॉइड बींग फ्रेंडली विथ समवन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू फाइट साय ऑफ, टू फाइट साय ऑफ, इसका आंसर करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे लोग। टू स्ट्रगल हार्ड, नो। टू अटैक विदाउट वार्निंग, नो। ये दोनों ऑप्शन हटा देंगे, पहला भी और तीसरा भी। चौथा ऑप्शन है टू ओवरकम वंस वीकनेस, नो। फाइट साय ऑफ का मीनिंग होता है टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इसका मीनिंग सिंपल है, जब हम किसी से दुश्मनी ख़त्म करके बातचीत शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, वी बरी द हैचेट। तो बेसिकली टू एंड अ क्वारल, एक लड़ाई को ख़त्म कर देने को ही हम बोलते हैं टू बरी द हैचेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो आपने सुना ही होगा, फ्लावर मत समझना, फायर है, फायर है, यानी कि आप कैसे बात कर रहे हैं, प्ले विथ फायर, आप खतर, आग कैसी चीज़ है, आग से खेलने लग जाओगे तो खतरा किसको है, खुद को ही है सबसे बड़ा खतरा, बाकी समाज को भी खतरा ही है अगर आप आपसे खेल रहे हो तो। टू फाइट एन ओपोनेंट नहीं है, ओपोनेंट कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है। टू स्प्रेड नॉलेज तो बिल्कुल नहीं होगा, आग से खेलने का मतलब ज्ञान बांटना बिल्कुल नहीं होता है।
टू डू समथिंग डेंजरस इसका आंसर होगा। मान लीजिए तीसरा ऑप्शन ना होता तो इसका चौथा ऑप्शन भी आंसर हो सकता था, टू बी करेजियस हिम्मत वाला होना भी आग से खेलने के बराबर हो सकता था, लेकिन क्योंकि तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इसीलिए चौथा ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टिकी फिंगर्स, अच्छा ईडियम है, अच्छा ईडियम है स्टिकी फिंगर्स। एसएससी ने एक बार पहले भी पूछा था इसको और एसएससी ने फिर से पूछा है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 स्टिकी फिंगर्स 26 एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 ये कह रहे हैं टेंडेंसी टू इंटरफेयर। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, मतलब आंसर में स्प्लिट हो रहे हैं लोग। ठीक है, स्प्लिट हो रहे हैं, पहले ए और बी वाले दोनों डिसाइड कर लो आपस में, मैं जब तक आराम कर लूँ। है नहीं, आराम नहीं करेंगे। स्टिकी फिंगर्स का जो मीनिंग होता है, ए वाले जो आंसर दे रहे हैं वो सारे लोग करेक्ट हैं, एन इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करने की एक प्रवृत्ति। इफ यू हैव स्टिकी फिंगर्स, आप जगह जहां भी जाते हैं अपनी फिंगर ऐसे ली और कुछ छिपाया और चले आए जी, तो स्टिकी फिंगर्स का ऐसा मतलब है आप चीजें आपकी उंगलियों से खुदा के चिपकती हैं। आपकी उंगली कैसी है, चिपकने वाली उंगली है, जहां भी जाते हैं ऐसे उंगलियों से उंगलियों को मतलब चीजों को उंगलियों से चिपकाते हैं और लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टिकी फिंगर्स यानी कि आपकी उंगलियों से चीजें चिपक के चली जाती हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता मेरी तो फिंगर्स स्टिकी हैं, चिपक के आ गई इनसे। ठीक है, तो स्टिकी फिंगर्स यानी कि इंक्लिनेशन टू स्टील, चोरी करना आप अगर चाहते हैं तो आपकी फिंगर्स कैसी हैं, स्टिकी फिंगर्स हैं। नेक्स्ट है द न्यू इलेक्ट्रीशियन इज अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न एसएससी ने काफी बार पूछ रखा है। ग्रीन हॉर्न होता है एक ऐसा पर्सन जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ओन वर्ड आ गया यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना, धड़ल्ले से करना। ठीक है, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, कीप अवे द डस्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट्स नो, प्ले ऑन योर इंस्ट्रूमेंट नो, प्रैक्टिस प्लेइंग म्यूजिक नो, बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, अपनी क्वालिटीज के बारे में झूठी झूठी तारीफ करना बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ, अगर घास में सांप छुपा हुआ है तो आपको आपको लगा हरी हरी घास है लेकिन हरी हरी घास में एक सांप है, यानी कि छुपा हुआ दुश्मन बैठा है जो आपको काट लेगा, हिडन एनिमी। क्वेश्चन नंबर 30 है टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर, इसका आंसर करेंगे भाई क्या होगा, टू होल्ड वाटर, अच्छा ईडियम है, शानदार ईडियम है। ऑप्शन रीड करके बता देता हूँ, टू बी अनस्टेडी एंड अनश्योर, टू बी लार्ज एंड डीप, टू बी सैड एंड डिप्रेस्ड, और चौथा ऑप्शन है टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर करेंगे सारे लोग, बहुत अच्छा ईडियम है, बहुत शानदार ईडियम है। विशाल गिरी, आदित्य साक्य, कुछ लोग 29 इतना ईजी है कि कुछ लोग 29 से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अरे 30 पर पहुंच गए हम। 30वां जो क्वेश्चन है टू होल्ड वाटर, इसका मीनिंग होता है टू होल्ड सम सॉलिड ग्राउंड, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। जब आप रीजनेबल बात कर रहे हैं, अगर आपकी बात में दम है, योर अगर आप जो लॉजिक्स हैं, योर लॉजिक्स आर रीजनेबल, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपकी बात है दैट होल्ड्स वाटर। तो होल्ड वाटर का मीनिंग समझ आ गया होगा आपको जब आप कोई रीजनेबल और वैलिड बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका पे हीड टू, पे हीड टू, पे हीड टू का क्या मीनिंग होता है जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, हीड का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी चीज़ पे एकदम केयरफुली अटेंशन देते हैं। ठीक है, नोटिस करना किसी चीज़ को पे हीड टू होता है, हीड का मीनिंग होता है नोटिस, हीड का मीनिंग क्या होता है नोटिस। तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को केयरफुली सुनते हैं, अटेंशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पर्पज, आपने कुछ किया, कैसे किया, ऑन पर्पज, पर्पज के साथ किया तो कैसे किया होगा, इंटेंशनली, इंटेंशनली आपने करा होगा। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग,
क्या है? स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग क्या होगा भाई? इजी प्रोग्रेस, जहां पे आप इजी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उसी को बोला जाता है स्मूथ सेलिंग। तो स्मूथ सेलिंग इज इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड, बैक आउट। बैक आउट कर जाने का मतलब होता है किसी चीज से हट जाना। तो एक्सप्लोर करना नहीं होगा, इंक्वायर करना नहीं होगा, फेंकना नहीं होगा, विथड्रॉ करना होगा। विथड्रॉ बोलिए या बैक आउट बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। दिल ही बदल गया, दिल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, यानी कि आपका ओपिनियन बदल गया। पहले आपने जब उसको देखा, जब आपने उसको देखा तब आप सॉलिड थे, ठीक है, सॉलिड थे दिल से। आपने कहा कि नहीं, कितनी भी सुंदर है, नहीं, सख्त लौंडा टाइप, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब चार बातें हुई, फिर आपको लगा कि नहीं, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, यानी कि क्या हो गया, दिल ही बदल गया, आपका चीजों को लेके ओपिनियन बदल गया, ठीक है। तो चेंज ऑफ, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट का मीनिंग होता है चेंज वंस ओपिनियन। जब आप अपना ओपिनियन बदल लेते हैं, जब आप अपना ओपिनियन बदल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इट वॉज अ लेविस बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स। घोड़े की तरह अगर कोई खाएगा तो आप बताइए कितना खाएगा, ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा? घोड़ा तो खाता है, तो ईटिंग वॉट हॉर्सेज ईट, नहीं, ऐसा थोड़ी ना घोड़े वाली चीज़ें घास फूस खाने लग जाएगा पार्टी में, नो, घास फूस नहीं खाएगा, ठीक है। ई हार्डली ईटिंग, कुछ नहीं खाएगा ऐसा भी नहीं है। ईटिंग डिफरेंटली, अलग तरीके से खाएगा, अलग तरीके से नहीं खाएगा। ईटिंग एक्सेसिवली, ठीक है, क्योंकि फ्री की दावत मिली है, कुछ लोग होते हैं ना, फ्री की दावत मिल जाए तो बस समझिए हो गया काम, बस फ्री की मिल जाए, उनको ये समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना फ्री का है, पेट फ्री का नहीं है, खाने के पैसे दूसरे देने वाला है, पेट खुद का है, पेट का नुकसान मत कर लेना ऐसे में। तो कभी आपको कुछ फ्री में मिलता है तो प्लीज़ पेट का नुकसान मत कर लेना, वो आप ही का है। नेक्स्ट है कोल्ड कम्फर्ट। कोल्ड कम्फर्ट, चलो इसका आंसर करेंगे सारे लोग, अच्छा आइडिया है कोल्ड कम्फर्ट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा आइडिया है, ठीक है, कोल्ड कम्फर्ट। पहला ऑप्शन है वेरी सूदिंग, सेकंड ऑप्शन है इंजॉयमेंट इन द हिल्स, थर्ड ऑप्शन है वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज अनबियरेबल वेदर। कोल्ड कंफर्ट, ठंडा कंफर्ट, ठंडा कंफर्ट, ठीक है। फ्री में खुद का जनाजा भी मिस नहीं करना, अबे कैसी बातें कर रहे हो घनचक्कर। कह रहे हैं सर एक दिन जल्दी गया, मतलब शादी में जल्दी गया था, सिर्फ इसी चक्कर में क्या खाना है। अब बड़े बड़े बदतमीज लोग हैं। 37 कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, अब ज्यादातर लोग सी बोल रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर दूं? कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग होता है, कंफर्ट तो है लेकिन ठंड के साथ में है जी, थोड़ी सी, मतलब ऐसा क्या है, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जो ना के बराबर हो, ऐसा सेटिस्फैक्शन जो ना के बराबर हो, ठीक है, ना के बराबर सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट। ऑन पर्पज एसएससी ने दोबारा पूछा, तो ऑन पर्पज होता है इंटेंशनली। स्मूथ सेलिंग भी एसएससी ने दोबारा पूछा, जिसका मतलब होता है इजी प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कैट्स पाव। कैट्स पाव अच्छा ईडियम है भाई, इसका आंसर करेंगे सारे लोग कैट्स पाव। 41 का आंसर करेंगे जब तक, इन दी लाइम लाइट, ये सब जानते हैं लाइम लाइट, लाइम लाइट में अगर कोई है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। फीस्ट वंस आईज ऑन, इसका भी आंसर करेंगे। तो पहले आंसर करेंगे आप सारे लोग 40 का, एंड आफ्टर दैट 42nd। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, एक एक दो डी वाले भी आ जाइए, आ जाइए ना, अरे आ जाइए डी वाले भी, अरे प्लीज। 40 ए ए ए, अब ज्यादातर लोग ए पे आ गए हैं फाइनली, हाँ गूगल करके आए हैं क्या? देखिए कैट्स पाव, कैट्स पाव का मीनिंग होता है अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर,
जब हम किसी पर्सन को टूल के तरीके से यूज करते हैं, यानी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैट्स पाव, अ ड्यूप ऑफ समवन, अ ड्यूप, द ड्यूप ऑफ समवन, द ड्यूप ऑफ समवन का मीनिंग होता है कैट्स पाव। ठीक है, तो द ड्यूप ऑफ समवन हो या कैट्स पाव हो, इसका मीनिंग होता है कि जब किसी दूसरे पर्सन को हम एज अ टूल यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जब किसी दूसरे बंदे को हम ट्रिक कर देते हैं, मतलब ट्रिक करने का मतलब है उसको उसका गलत फायदा उठा लेते हैं, ट्रिक कर दिया उसको, तो उसको बोलते हैं कैट्स पाव। क्वेश्चन नंबर 42 है, फीस्ट वंस आईज ऑन, फीस्ट वंस आईज ऑन, बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, गेज समथिंग विथ प्लेजर, एनएसपी, एनएसपी, समझते हैं एनएसपी का मतलब, एनएसपी। तो फीस्ट वंस आईज ऑन का मतलब होता है एनएसपी, एनएसपी का मतलब बताएगा कोई भाई क्या होता है एनएसपी? लड़कों को तो पता होगा, लड़कों का तो फेवरेट काम है ये एनएसपी, एनएसपी बॉयज का वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स एनएसपी। बताओ भाई क्या होता है एनएसपी? लड़के बहुत एनएसपी करते हैं, कोई है जो बताए मेरे को एनएसपी का मतलब? एनएसपी, एनएसपी कोई नहीं बता पा रहा है यार, बताओ, बड़ा कॉमन वर्ड है। चलो मैं ही बता देता हूं, एनएसपी बॉयज बहुत करते हैं, एनएसपी का मीनिंग होता है नयन, सुख, सुख, अब मुझे पता नहीं स वाला आता है या कौन सा वाला सा आता है, मैं ये वाला ही लिख रहा हूं, नयन, सुख, प्राप्ति। हिंदी विंदी मेरी ऐसे ही है भाई, देख लेना क्या लिखा है मैंने, नयन, सुख, प्राप्ति, एनएसपी, नयन, सुख, प्राप्ति। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वे घनचक्कर, अरे ये है असली मीनिंग, मीनिंग नयन, नयन यानी आंखें, आंखों को सुख की अनुभूति करवाना, गेज एट समथिंग विथ प्लेजर, अ समबडी होना चाहिए था, समथिंग को कौन देखता है प्लेजर से, है ना? आ गया ना सबको समझ एनएसपी? अगर एनएसपी का मीनिंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि एनएसपी आपको कैसा लगा, और आप एनएसपी करते हो या नहीं करते हो, और इसी बात पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है भाई, एक हमारा ये मेंस का बैच है, ठीक है, मेंस का बैच है, अच्छा बैच है, आप अगर मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले लें, अगर आप मेंस के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा इस बैच को लें, ठीक है, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड बैच है, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड बैच है, 3000 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% रेलेवेंट सीट्स होंगी, फ्री क्लास नोट्स, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्पेशल सेशंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, मॉक टेस्ट विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ आपको मिलता है इस बैच में। इस बैच को लेने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस बैच को मैं ही पढ़ाऊंगा, प्रशांत सोलंकी मेरा नाम है, जैसा कि आप जानते हैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड दिल्ली पुलिस। इस बैच को लेने के लिए आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करें, ये बैच आप परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मेंस करके इस बैच का नाम है, ठीक है। मैं फिर यही कहूँगा कि जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है वही लें, अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए, अगर आपको जीरो लेवल से तैयारी करनी है और एकदम उस लेवल की तैयारी करनी है कि कल को सीईटी आ जाए या कोई और आ जाए, कुछ भी, कोई भी आपका कमीशन आ जाए, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, कोई भी आपकी पोस्ट आ जाए, अगर आपको एक ही जगह पे इंग्लिश पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सीईटी की तैयारी करनी है, सीईटी की करनी है या किसी की भी करनी है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो या सीडीएस या एनडीए, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो दिस बैच इज़ फॉर यू गाइज, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश आती है, ऐसा कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो ये बैच शुरू हुआ है 17 मई से, अभी इसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खत्म किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमने खत्म किया है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराते हैं, साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी आपको इस बैच में कराई जाएगी,
ग्रामर कराई जाएगी, वो कैब कराई जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन भी कराया जाएगा, क्लासेस लाइव होती हैं जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और मेरी खास बात यह है कि मैं हर बच्चे के डाउट को एंटरटेन कर रहा होता हूँ, एक सिंगल बच्चे का डाउट नहीं छोड़ता हूँ। साथ में फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी, लाइव डाउट सेशंस आपके होते हैं। इस बैच को लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है आरजी विक्रमजीत ऐप, वहाँ पे जाना है, रैंकर्स 2.0 बैच का नाम है, रैंकर्स 2.0, ठीक है। इस बैच को लेने के लिए फर्दर डिटेल्स आपको इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएंगी। ये बैच भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा बैच मैं ही पढ़ाऊंगा, फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, वैलिडिटी इज ऑफ 2 ईयर्स, आपको ये सब इस बैच में मिलता है। फीस हमने रखी है 897, जैसे मैंने कल भी कहा था कि 897 इस बैच के लिए फीस काफ़ी कम है, बहुत कम फीस है, इस बैच को जरूर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है आप लोगों के लिए अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है। साथ में अगर आपको इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग तीनों की तैयारी एक साथ करनी है तो ये हमारा बैच है जिसमें रीजनिंग गुरुजी विक्रम सर पढ़ाते हैं, मैथ्स आदित्य सर और इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ। इस बैच में वो सब कुछ मिलता है जो उस बैच में मिल रहा था। इसकी फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपये, 2099 रुपये, ठीक है, इसकी फ़ीस रखी गई है। इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगी, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पे, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पे। और जो दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी है कमेंट जरूर करना है, हर बच्चा वीडियो छोड़ने से पहले कमेंट करके जाएगा, कौन से दो चीज़ें, एक जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें वो लड़की थी या लड़का था, ये आंसर, और दूसरा नयन सुख प्राप्ति, ये आपको कैसा लगा NSP, ठीक है। चलो भाई, इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। रीजनिंग की क्लास टाइमिंग 6 बजे कर दी गई है, इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग 7:30 है, मैथ्स की क्लास की टाइमिंग 8:30 है, तो ये तीनों टाइमिंग आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड, ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।